तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी और एकदम क्रिस्पी सी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे और एकदम से बहुत टेस्टी बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकदम इंस्टेंट बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी चाट को बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये 4-5 मीडियम साइज के आलू, जिसे उबालने के बाद में मैंने छीन लिया है। और इन आलुओं को बस आप इस तरीके से रफली रफली सा तोड़ लें। बस इसके लिए आप आलूओं को कद्दूकस ना करें, क्योंकि उसके बाद वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा। और ये लीजिए आलू तैयार हुए। तो अब इसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटे से साइज का प्याज, जिसे एकदम बारीक कट कर लिया है। फ्रेंड्स, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालूंगी, लेकिन आपके पास जो हो आप वो डालें, जो नहीं है उसे स्किप कर दें। ये गया छोटे साइज़ का शिमला मिर्च, और ये है आधा खीरा, जिसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। एक छोटे साइज का टमाटर, जिसके बीज निकाल दिए हैं और बारीक कट कर लिया है। और ये लिया है मैंने बहुत छोटा सा टुकड़ा पनीर का, और जिसे छोटे छोटे क्यूब में कट किया है। इस चटपटी सी चाट को और भी चटपटा करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2-3 हरी मिर्चें, और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, और ये लिया 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला, और ये लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी डाल दिया। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, लुक भी ज़बरदस्त हो जाएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। और ये लीजिए हमारी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, और बस इसे बिल्कुल बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये चाट बनाना जितना आसान है उतनी ही क्रिस्पी होती है और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो चलिए, हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, वो भी देख लेते हैं। तो वो है कॉर्नफ्लोर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसकी जगह चावल का आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, आप चाहें तो अरारोट ले सकते हैं, अगर कॉर्नफ्लोर है तो वो लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर के बाद आपकी जो चाट बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो बस इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और ये मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो उसकी जगह आप लाल मिर्ची डाल दीजिए। और ये गया थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक स्लैरी तैयार करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो स्लैरी बनानी है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनानी है, थोड़ी सी थिक रखेंगे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भारी होता है, पानी में बैठ जाता है, इसलिए मिक्स अच्छे से कर लें। और ये देखिए करीब मैंने 4 टेबलस्पून पानी लिया है, और एकदम बढ़िया सी हमारी स्लैरी तैयार है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी ब्रेड स्लाइस की। मैंने नॉर्मल वाइट ब्रेड ही लिया है, आप ब्राउन ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, बस जो भी ब्रेड लें वो फ्रेश होनी चाहिए। उसके बाद जो हमने वो चटपटी सी स्टफिंग बनाकर तैयार करी थी उसे अच्छे से इस पर सेट कर देंगे। इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि इसी से आपको मेन टेस्ट मिलने वाला है। और आप देखिए मैंने खूब सारी स्टफिंग अच्छे से ब्रेड पर सेट कर दिया है। बिल्कुल अच्छे से सेट करें, जिसपे इस पे से हटे नहीं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से सेट हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी सारी स्टफिंग लगाई है, जितना मोटा हमारा ब्रेड का स्लाइस है उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने स्टफिंग लिया है। और लीजिए हमारी, और इसके बाद में हमने ये जो स्लैरी बनाकर तैयार करी थी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर पानी पर बैठ जाता है। और उसके बाद में 2 से 3 टेबल स्पून स्लैरी लेकर इस तरीके से आलू वाले पोर्शन पर अच्छे से फैला देंगे, और इसी सलाड़ी की वजह से हमारी ये जो नाश्ता बनेगा वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसे सेकने की, गैस ऑन करी, उसके ऊपर पैन रखा, और पैन में हम लगा देंगे थोड़ा सा बटर। फ्रेंड्स, अगर बटर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसमें देसी घी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और उसके बाद में जिस साइड हमने आलू का पेस्ट लगाया था उस साइड से ब्रेड को इस तरीके से अच्छे से इस पर प्लेस कर देंगे। एक बार में जितनी ब्रेड आपके पैन पे आ सकती हैं आप उतनी लगा सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा बटर ऊपर से भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम इसे सेकेंगे दोनों तरफ से। बस तरीका थोड़ा सा अलग है, परंतु नाश्ते की ना तो हम टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ना ही लुक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बस सेकना आपको किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इसे उलट पलट कर नहीं सेकना है, बस इस तरीके से आप पैन में इसे लगातार हिलाते रहें, जिससे ये चारों तरफ से बढ़िया सा सिककर तैयार हो जाएगा। अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़े आप से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, देसी घी या बटर कुछ भी और डाल सकते हैं। इसे सिकने में फ्रेंड्स आपको करीब 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त
एक तरफ से हमारी स्टफिंग बढ़िया सी सिक गई है, बहुत ही करारी देखने से ही पता चल रही है, और बहुत ही चिस्पे से खुशबू आ रही है क्योंकि जो मसाले हैं बढ़िया से सिक चुके हैं। और देखिए क्या क्रिस्पी सी ये ब्रेड आलू टिक्की बनकर तैयार हुई है, और बस दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लिया। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग की बारी है। सेम प्रोसेस से हम बाकी के ब्रेड टिक्की भी सेक कर तैयार करेंगे। और ये देखिए पीछे से भी बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ये अब भी खाने में बहुत टेस्टी हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि आज हम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड आलू टिक्की की रेसिपी। तो बस पिज़्ज़ा कटर लिया या नाइफ के साथ इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, और उसके बाद हम इस तरीके से इसे अरेंज कर लेंगे। उसके बाद में जैसे हम नॉर्मली और चाट बनाते हैं अच्छे से गाढ़ा सा दही डालेंगे, दही खट्टा ना हो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और चाट का दही बनाने के लिए दही को अच्छे से स्मूथ किया और उसमें हाफ टी स्पून चीनी डाल दिया है, जिससे उसका टेस्ट भी बढ़ गया है और थोड़ी सी वो देर से खट्टी होगी। और ये गई हरे धनिये की चटनी, इमली की मीठी चटनी, और ये देखिए बहुत ही चटपटी सी और एकदम शानदार चाट बनकर तैयार है। आपको इसमें भुना हुआ जीरा, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारे मसाले हैं। थोड़ा सा दही और डाल दिया और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है। थोड़े से लाइन ऑन सेब डाल देंगे जिससे लुक ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये लास्ट में डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, और देखिए एकदम चटपटी सी गर्मा गर्म काफ़ी क्रिस्पी सी थोड़ी सी जूसी सी हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। फाइनल रिजल्ट मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, कट करने से ही पता चल रहा होगा कि काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, होली पर ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक में मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग तरीके से बनी हुई हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।